नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर। मैं हूं आपके साथ इस वक्त उमर खान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। सुधा अमृतम वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश सचिव ने स्कूल के छोटे बच्चे बच्चियों के संग मनाया अपना जन्मदिन। वाराणसी विकास क्षेत्र काशी विद्यापीठ प्राथमिक विद्यालय में सुधा अमृतम वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश सचिव शिल्पी सिंह ने स्कूल के छात्र एवं छात्रा छोटे बच्चे व बच्चियों संग अपना जन्मदिन दिवस पर मुख्य अतिथि की व आए हुए अतिथियों को तुलसी का पौधा भी दिया। स्कूल के बच्चों व बच्चियों को भी ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, टॉफी, बिस्कुट इत्यादि देकर जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विशाल सिंह CEMO विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रमुख। कार्यक्रम में सोसाइटी के मुख्य रूप से राजेश सिंह गोपाल जी, वहीं प्राथमिक स्कूल के प्रबंधक श्री दरोगा सिंह, ग्राम प्रधान नागेंद्र यादव उर्फ चिंटू, नीतू सिंह, कुसुम कला सिंह इत्यादि लोगों ने प्रदेश सचिव शिल्पी सिंह के जन्मदिन पर लंबी आयु के लिए शुभकामना दिया। आज ये किस तरह का आप जो उत्सव मना रही हैं? आज एक्चुअली मेरा आज बर्थडे था, तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ और लोगों को कि ये सारे लोग अगर बर्थडे अगर ऐसे प्राथमिक विद्यालय हो या मलिन बस्ती में हो या गांव में जाके किसी गरीब बच्चे के साथ सेलिब्रेट करें तो ऐसी खुशी अनुभूति होगी जो कि कभी शायद पैसा या कुछ भी अनुभूति कभी किया नहीं होगा। ये बर्थडे आपको सेलिब्रेट कहीं भी कर सकती थी, यहाँ पर बच्चों के संग क्यों आपने किया? इसलिए कि सुधा जो था कि मेरे मम्मी का नाम था जो कि इस दुनिया में अब है नहीं, तो मैं इस बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहती थी। एक साल से संस्था मेरी काम कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट पे, और मैं प्राथमिक विद्यालय को इसलिए कि बहुत इंटीरियर इलाके में है और यहाँ जैसा कि सर ने बताया, प्रधानाचार्य जी ने, कि किसी की नज़र नहीं पड़ती, कोई आता नहीं, इतना हम लोग यहाँ पे टीचर हाई क्वालिटी के हैं जो भी आप देख भी रहे हैं, और कह सकते हैं कि स्कूल में आके अगर मैं शायद बर्थडे नहीं मनाई होती तो जान भी नहीं पाती कि स्कूल कितना अच्छा है। अपने बर्थडे पे जो है यहाँ के बच्चे और टीचरों को क्या उनको कहना चाहेंगे? मैं बहुत दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद देती हूँ कि अगर ये सपोर्ट मैम लोग ने सर के द्वारा नहीं हुआ होता, और सबसे स्पेशली मीना मैम का मैं धन्यवाद करती हूँ कि स्कूल को मैं जानती भी नहीं थी, उन्होंने चुना था, और जो कि इस गांव की बहू हैं, और इतना एक्टिव होना पॉसिबल नहीं है, और मैं चाहूँगी कि हर बहू बेटी अगर ऐसे एक्टिव होंगी तो एक पहल नए समाज के निर्माण की हम लोग जरूरत करें। जी सर, परिचय अपना बताएं। मैं विशाल सिंह हूँ, मुख्य कार्यपालक अधिकारी काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, और सचिव हूँ वाराणसी विकास प्राधिकरण। ये आज आप वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में आप विशिष्ट अतिथि बन के आए हैं, उसमें आप इनके जन्मदिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? मुझे यहाँ सुधा अमृत वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से अवगत कराया गया और बुलाया गया, मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर गाँव के ग्रामीण परिवेश में बच्चों से मिलकर जो सुखद अनुभूति होती है उसको शब्दों में कह पाना संभव नहीं है, लेकिन जो कार्य ये कर रहे हैं, और आज जैसा अपनी बताया मुझे किसी जी का जन्मदिन है और अपना जन्मदिन उन्होंने उन बच्चों के साथ उस खुशी को बांटने का प्रयास किया, ये अपने आप में सराहनीय कदम है, और इनके इस प्रयास से जो बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। और जैसे अभी बताया मुझे कि यहाँ आसपास बहुत सारे प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट के अलावा बहुत सारे पब्लिक स्कूल खुले हुए हैं जो CBSE माध्यम से प्राइवेट शिक्षा दे रहे हैं, तब भी यहाँ पर 290 छात्र एनरोल्ड हैं, और प्रधानाचार्य महोदय ने मुझे बताया कि संख्या भी अच्छी है और बच्चे पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए संतोष होता है कि यहाँ के जो शिक्षक गण हैं, 10 शिक्षक गण यहाँ प्रस्तुत हैं, उनके द्वारा भी कड़ी मेहनत की जा रही है, और सामाजिक सरोकार जैसा प्रधान जी और यहाँ उपस्थित राजेश जी ने बताया कि इन लोगों का जो जुड़ाव है स्कूल से वो लगातार बना रहता है, और गाँव के बच्चों को जाके बताते भी हैं कि कैसे उनको वहाँ भेजने से फ़ायदा है, क्यों उनको वहाँ बच्चों को भेजना चाहिए, तो ये बड़ा ही एक सामूहिक रूप से जो प्रयास किया जा रहा है वो भी सराहनीय है, और मैं भविष्य में इसकी अपेक्षा करूँगा और अनुरोध करूँगा शिल्पी जी से और मीना जी से इसी तरीके से समाज के उस वर्ग को भी अपने साथ जोड़ते रहें और